हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ज्यादा कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ एक लाइन बनाने वाले हैं। अब आपके दिमाग में सवाल पड़ा होगा कि यार एक लाइन बनाने के लिए इतना सारा तामझाम, काहे को डरा रहे हो यार? ये तो ऐसी वाली बात हो गई जैसे कि चूहे के शिकार के लिए भैया 1000 शिकारी चले, एक लाइन ही तो बनानी है भाई। ओके, इसमें ये क्या करने की जरूरत है बेसिकली? तो ये जो सारा यहाँ पे मेंशनड है, अगर आप अभी यहाँ पे इनिशियली इससे डर रहे होंगे तो भैया जब मेरा ये पूरा एक्सप्लेन करके खत्म हो जाएगा आप खुद के ऊपर हंसोगे, बोलोगे भाई इस चीज से डर रहे थे अपन, इतनी चिंदी चीज से डर रहे थे, इतना आसान तो है भैया ये, इसमें डरने जैसा क्या है? क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में DDA के ऊपर, दैट इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर के ऊपर, हैवी वेटेज के साथ, 10-12 मार्क्स के साथ। तो अगर आपने ये समझ लिया किस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, अगर आपने जान लिया इसकी सारी विधि, अगर आपने समझ ली है, तो भैया आपके वो 10 और 12 मार्क्स जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं नहीं जाने वाले, वो आपके हाथ में रहेंगे। बराबर उसी को अभी समझते हैं, आपके लिए मैं आसान करके बताने वाला हूँ, सब कुछ बड़ी इजीली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपका कम से कम समय लेने वाला हूँ, अपनी तरफ से ज्यादा ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी यहाँ पे वीडियोज में रहने वाली है। तो भैया चलो अपन DDA को समझते हैं, करना क्या है, एक लाइन बनानी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, बराबर है, और ये आपका समझ लो ग्राफ है। ओके, तो अब मेरे को एक पॉइंट दिया हुआ है, ये x1 y1 दिया हुआ है, ठीक है, और एक और दिया है 3,3, मतलब ये लगभग यहां पे होगा, ठीक है, ये x2 y2 दिया है। अब मेरे को क्या बोल रहे हैं ये लोग, लाइन बना भाई, लाइन बना। अब लाइन बनाने के लिए यहां पे DDA हमारे पास उपलब्ध है, इसकी मदद अभी अपन लेने वाले हैं, और कुछ प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोग जो है ये लाइन पूरी बना देंगे, तैयार कर देंगे। ओके, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं आपको बताता हूं क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, जब आपके पास x1 y1 x2 y2 मौजूद है, तब आपको स्लोप सबसे पहले निकालना है। क्या करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप m, स्लोप यानी कि इस केस में हम लोग m ही इस्तेमाल करने वाले हैं। m जो है इट इज वेरी इजी, स्लोप निकालना है Δy/Δx। ओके, ये तो अभी तक अपने को सबको पता है कि स्लोप निकालना है Δy/Δx, रख दो। अब Δy/Δx, Δy मतलब क्या, Δx मतलब क्या, सिंपली चेंज इन द वैल्यूज ऑफ y, दैट इज x2 - x1 y2 - y1 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x2 - x1, सिंपल सी बात है। तो ये अपने को सबसे पहले स्लोप फाइंड करना है, तो चलो वो कर लेते हैं। बराबर, अपने को ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहां पे आप देखोगे ये मेरा क्या है, x1 y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, y2 - y1, ये y2 है और ये y1 है, 3 - 1, x2 - x1, 3 - 1, बराबर है। तो न्यूमरेटर में 2 आ गया, रिजल्टेंट डिनोमिनेटर में 2 आ गया, 2/2 इज नथिंग बट इक्वल टू 1, यानी कि मेरा स्लोप निकल के आया है 1, बराबर। सो अपने को स्लोप की वैल्यू तो मिल गई भाई साहब। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है अपने को Δx और Δy की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है, करेक्ट। अब किस तरीके से करोगे आप Δx और Δy की वैल्यूज, बड़ा सिंपल सा मामला है, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला, ये वाला m इक्वल टू Δy/Δx, इसी को घुमाते जाना है, बस इसको घुमाते जाना है, और जिसमें इंटरेस्टेड हो, जो वैल्यू फाइंड करनी है, उसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रखते जाना और कैलकुलेशन परफॉर्म करते जाना, बड़ा आसान है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे Δx अगर आपको फाइंड करना है, ओके, तो इट इज नथिंग बट यू कैन से Δy/m, बराबर है। इसको थोड़ा घुमा दो, इस फॉर्मूले को थोड़ा घुमा दो, Δx क्या हो जाएगा, Δy/m, बराबर है। Δy तो वैसा ही है, m क्या है, m इज नथिंग बट दिस रिस्पेक्टिव फॉर्मूला, और ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, Δy (x2 - x1) / (y2 - y1), बराबर है। अब यहां पे Δy क्या होता है, y2 - y1, तो ये y2 - y1 एक तरीके से कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, x2 - x1, विच इज नथिंग बट योर Δx, जो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और वो निकल के आता है 2, x2 - x1, 3 - 1, दैट इज इक्वल टू 2। सिमिलर फैशन में भैया Δy को भी अपने को क्या करना है, यहां पे कैलकुलेट करना है। अब यहां Δy क्या है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा घुमा दो, क्या हो जाएगा, Δy m into Δx। अब भैया यहां पे m क्या है, y2 - y1 / x2 - x1, Δx क्या होता है, x2 - x1, ये कैंसिल कर दो, बचता क्या भैया, y2 - y1 बच जाता है। अब ये y2 - y1 बच गया, तो क्या करेंगे, 3 - 1, दैट इज इक्वल टू 2, और यहां पे आपकी Δy की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। मतलब सेकंड स्टेप क्या है, Δx और Δy की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा, भैया क्यों करना, क्या जरूरत है? ओके, जरूरत इसलिए है क्योंकि इनकी जब वैल्यूज हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो इनके वैल्यूज को कंपेयर भी तो करना है,
इसीलिए वो वैल्यूज जरूरी है। इनके वैल्यूज को क्या करना है, अपने को कंपेयर करना है। अब कंपेयर किस तरीके से करना है और रिजल्ट कैसे निकलेगा कंपैरिजन का, तो वो दो केसेस है अपने पास। यहां पे ये दो केसेस मेंशन है, ये केस नंबर वन, ये केस नंबर टू। अब केस नंबर वन में क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आपकी डेल्टा एक्स की वैल्यू, आपको यहां पर याद रखना भैया ये दंडिया लगा दी है, बराबर है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपने को डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की। तो यहां पे जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू हो सकती है कि वो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू भी हो सकती है ऑफ दैट डेल्टा वाई, बराबर है। और अपनी केस में अगर आप देखोगे तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। ये किस हालात में होता है, ये किस हालात में होता है, जब आपका स्लोप जो है एम वो वन होता है, जो कि अपनी केस में है यहाँ पे, बराबर है। तो दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है, तो अपने लिए तो ये केस लागू होती है। बट लेट्स लुक एट बोथ द केसेस, उनकी डिटेल्स को समझते हैं, ठीक है। अब यहां पे डेल्टा एक्स कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा वाई, ये एक केस हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तब क्या करना है भाई, तब व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट प्रोसेस, व्हाट नेक्स्ट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो इज सिंपली, सबसे पहले तो भैया डेल्टा एक्स को वन असाइन कर दो, डेल्टा एक्स को वन वैल्यू असाइन कर दो, ये सबसे पहला काम करना है अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को क्या करना है, एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन कैलकुलेट करना। अब आप बोलोगे ये क्या मामला है, ये है क्या भैया, व्हाट इट इज। सो मैं यहां पे आपको बताता हूं कि जो अपने करंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, करंट कोऑर्डिनेट्स मतलब यहां पे एक्स आई वाई आई, ये मेरा क्या है करंट, जहां पे मैं खड़ा हूं ये मेरा करंट पोजीशन है, करंट लोकेशन है, करंट कोऑर्डिनेट है, यहां मैं खड़ा हूं। मुझे क्या करना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, क्या करना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, मतलब अगला कदम मुझे रखना है, ओके। तो उसके लिए जो मैं अगला कदम रखूंगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट, उसे अपन बोल सकते हैं एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन, बराबर है, समझ में आ गया। तो ये वही अगला कदम है, क्योंकि अब अपन है इनिशियली वन वन पे, मतलब यहां पे वन कॉमा वन पे। अब मैं अपना अगला कदम कौन सा रखूं, कहां पे रखूं, उसके लिए अपने को एक्स आई वन एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन की मदद लगने वाली, बिकॉज अपना जो अभी इनिशियली वन कॉमा वन है वो एक्स आई और वाई आई है, और अगला कौन सा होगा वो एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन अपने को बताएंगे, और वो कैसे बताएंगे, वो इन फॉर्मूलेज की मदद से अपने को एक्सप्लेन करेंगे, अपने को बताएंगे। बड़ा सिंपल सा मामला है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे क्या करना है, जो अपनी वैल्यू है एक्स आई उसमें कुछ तो चेंजेस थोड़ा बहुत ऐड करना है ताकि अपन आगे बढ़ सके, अगला स्टेप रख सके, तो वो डेल्टा एक्स ऐड कर देना है। अब यहां पे अपने पास एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस स्टेप से पहले ही अपन ने डेल्टा एक्स को वन असाइन कर दिया था, तो अपने को अभी यहां पे करना क्या है, सिर्फ डेल्टा एक्स की जगह पे वन रख देना है, डेल्टा एक्स की जगह पे क्या कर देना है, वन रख देना है। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वन, मतलब अगर अगला स्टेप कैलकुलेट करना रहा तो अपने को सिर्फ उसमें प्लस वन कर देना है एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स में।